भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए पंढरपुर पहुंचने वाले भक्तों की सुविधा के लिए 4 लेन रोड का निर्माण किया जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी आधारशिला रखी। इसके तहत संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग के 3 खंडों और संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग के 5 खंडों को 4 लेन बनाने की योजना है। लखीमपुर हिंसा मामले में आज तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट करी दाखिल। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ यूपी सरकार की अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं। आम आदमी पार्टी गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में करके दिखाया है, अब वो गोवा में के अंदर भी हर गांव के अंदर एक एक स्कूल में खुलवाएंगे। उन्होंने कहा, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खोलेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में रविवार देर रात जवान ने अपने साथियों पर AK-47 से फायरिंग कर दी। घटना में 4 जवानों की मौत, 3 घायल, इनमें 2 जवान की हालत गंभीर। उन्हें चौपर से रायपुर रेफर किया जा रहा। घटना के बाद आरोपी जवान को हिरासत में लिया। अभी तक फायरिंग का सही कारण सामने नहीं आया। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच आरोपों की जंग जारी। सोमवार को मंत्री मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया नया आरोप। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया में कुछ जानकारी साझा करते हुए पूछा कि समीर दाऊद वानखेड़े, क्या आपकी साली हर्षदा रेडकर ड्रग्स के धंधे से जुड़ी है? मलिक ने आगे कहा, आपको इसका जवाब देना होगा क्योंकि उनके खिलाफ पुणे की अदालत में मामला पेंडिंग है। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज। नए केस में 10 से 20 हजार मामले आ रहे सामने। बीते 24 घंटे में 11,648 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 12,562 मरीज रिकवर। इस दौरान 256 लोगों ने गवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 25,06,00,000। महामारी से अब तक कुल 48,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 7,25,00,000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और नामीबिया के बीच टूर्नामेंट का आखिरी लीग मुकाबला खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद भारत के सेमीफाइनल में जगह बनाने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया। टीम इंडिया सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी, लेकिन आज का मैच जीतकर टीम जरूर सम्मान के साथ विदाई लेना चाहेगी। सिर्फ टीम की ही नहीं, कप्तान विराट कोहली भी जीत के साथ अपनी T20 कप्तानी का अंत करना चाहेंगे। चेन्नई में 2 दिन से जारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया। रविवार तक हुई 20 सेंटीमीटर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। निचले इलाकों में पानी भरा, सड़कें तालाब जैसी नजर आई। इतना ही नहीं, ट्रेन की पटरियां भी बाढ़ के पानी में डूबी। मौसम विभाग ने 9 नवंबर तक भारी बारिश का जताया अनुमान। राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिनों तक गंभीर श्रेणी की हवा दर्ज किए जाने के बाद आज दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणी में मामूली सुधार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता लगा कि दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज।